आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लूड मैकेनिक्स में। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक कैपिलरिटी के बारे में। कैपिलरिटी क्या होता है? कैपिलरिटी इज डिफाइंड एज द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इन अ थिन ट्यूब या कैपिलरी ट्यूब रिलेटेड टू द एडजेसेंट जनरल लेवल ऑफ लिक्विड। इट इज अ सरफेस टेंशन इफेक्ट एंड डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट सब्सटेंसेज। इसमें क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब को हम इस टाइप डिफाइन कर सकते हैं जो कि जिसमें लिक्विड कोई थिन ट्यूब या कैपिलरी ट्यूब जो होता है उसमें राइज या फॉल होता है, जिसमें कि जो सरफेस टेंशन इफेक्ट होता है इसके द्वारा और रिलेटिव इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन होता है डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस पर। सो इसकी डेफिनेशन है, कैपिलरी इज डिफाइंड एज द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड। कोई भी लिक्विड जब हम कोई थिन ट्यूब में या कैपिलरी ट्यूब में हम अगर उसको फिल करते हैं, फिल करने पर उसके द्वारा वो राइज होगा और या फॉल होगा लिक्विड का लेवल चेंजेस होगा। इसमें इसके द्वारा सरफेस टेंशन इफेक्ट होगा और इसका जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है वो भी इस पर डिपेंड करेगा अलग अलग सब्सटेंस पर। सो कैपिलरिटी इज डिफाइंड एज द फिनोमेना ऑफ अ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इन अ थिन ट्यूब या कैपिलरी ट्यूब रिलेटेड टू द एडजेसेंट जनरल लेवल ऑफ लिक्विड। इट इज अ सरफेस टेंशन effect and depends upon the relative intermolecular attraction between different substances. Capillarity में क्या होता है, capillarity is due to both cohesion and adhesion. Capillarity में दोनों condition होती है, एक cohesion होती है और एक adhesion होती है। The rise of liquid surface is known as capillary rise and the fall of liquid surface is known as capillary depression. मतलब जो जब liquid राइज होता मतलब बढ़ता है तो उसको हम कैपिलरी राइज बोलते हैं और जब लिक्विड का लेवल जो होता है वो कम होता है, फॉल होता है, डाउन होता है तो उसको हम एडिशन बोला जाता है या कैपिलरी डिप्रेशन बोलते हैं, मतलब एडिशन हो रहा है। सो इसमें दो चीज़ें होती है कैपिलरिटी में, कोहिजन एंड एडिशन। कोहिजन कब होता है, जब राइज लिक्विड राइज होता है तो कैपिलरी राइज कहलाता है और जब लिक्विड फॉल होता है, डाउन होता है तो कैपिलरी डिप्रेशन कहलाता है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर ऑफ लिक्विड। लिक्विड के फॉर्म को इसमें हम सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर के फॉर्म में इसको पढ़ते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो कैपिलरी इज ड्यू टू बोथ कोहेजन एंड एडिशन। द राइज ऑफ लिक्विड सरफेस इज नोन एज कैपिलरी राइज एंड द फॉल ऑफ लिक्विड सरफेस इज नोन एज कैपिलरी डिप्रेशन। इट इज एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर और मिलीमीटर ऑफ लिक्विड। फैक्टर अफेक्टिंग कैपिलरिटी, कैपिलरिटी को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर होते हैं। सो कैपिलरिटी डिपेंड्स अपॉन, पहला होता है डायमीटर ऑफ द ट्यूब, ट्यूब की डायमीटर भी डिपेंड करती है इसमें अफेक्ट करने, कैपिलरिटी का डिफेक्ट करने। स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, लिक्विड का स्पेसिफिक वेट क्या है उस पर भी ये इफेक्ट करता है। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एक्सप्रेस ऑफ कैपिलरिटी राइज या फॉल। लिक्विड का सरफेस टेंशन भी डिपेंड करता है इसमें क्या हो रहा है, राइज हो रहा है या फिर कैपिलरी में या फिर फॉल हो रहा है। सो फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग ऑफ कैपिलरिटी आ जाएगा, तीन कंडीशन होगी। कैपिलरिटी डिपेंड्स अपॉन, एक होता है डायमीटर ऑफ द ट्यूब, दूसरा होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, तीसरा होता है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। इसको एक्सप्रेशन करते हैं कैपिलरी राइज से या फिर फॉल से। अब इसमें यह डायग्राम बना हुआ है, कैपिलरिटी ट्यूब का डायग्राम है। इसमें ये एक टब है जिसमें कि ट्यूब इसमें वाटर फिल किया हुआ है। इसके अलावा ये ऊपर जो है वो ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब में एक सरफेस टेंशन सिग्मा और यहाँ पर सरफेस टेंशन होती है दोनों साइड और यहाँ पर एक सरफेस एंगल होता है थीटा। इसके अलावा इसका लिक्विड जो होगा, लिक्विड का लेवल जो इसका जो डायमीटर होता है ट्यूब्स का वो डी होता है और सरफेस जो इसका जब कोहिजन से बड़ा हो, एडिशन इज ग्रेटर देन कोहिजन, तो कैपिलरी इसमें क्या होगा, राइज होगा, और एडिशन कम होगा और कोहेजन ज़्यादा होगा तब, तो इसको हम मैनी शूज कॉनकेव भी बोलते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, कोहेजन इज ग्रेटर देन द एडिशन, मतलब एडिशन जो है वो कोहेजन से छोटा है। तो इसका क्या होता है, इसका जो लिक्विड है वो क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो इसको हम कैपिलरी राइज बोलते हैं, इसको हम मैनी शूज कॉनकेव भी बोला जाता है। इसमें क्या हो रहा है, नेक्स्ट में अगर एंगल जो सरफेस एंगल है वो ग्रेटर देन हो 90 डिग्री, सो 90 डिग्री से छोटा हो अगर हम, तो इसको क्या, जो कोहेजन होगा
इज लेस देन है एडिशन से, इसमें क्या हो रहा है कोहिजन लेस देन है एडिशन से, इसमें कैपिलरी डिप्रेशन होगा जिसको हम मेनी स्यूज कॉन्वेक्स बोलते हैं। इस डायग्राम में आप देखोगे एक ट्यूब है, ट्यूब में क्या है कोई भी इसमें लिक्विड नहीं है, इसमें क्या है मरकरी को भरा हुआ है, मरकरी को फिल किया हुआ है। मरकरी में क्या होगा ये इसका सरफेस टेंशन होगा वो डाउन की तरफ आएगा, और इसमें जो सरफेस एंगल होगा ये थीटा होगा, ये सरफेस टेंशन होगा। यहाँ पर ट्यूब्स का क्या है डायमीटर है जो कि ग्लास ट्यूब का है, और ये इसकी हाइट है जो कि डाउन हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है डाउन, तो डाउन हो रहा है तो इसको इसमें क्या है कोहेजन जो है वो छोटा है एडिशन से, तो इसलिए कैपिलरी इसमें डिप्रेशन हो रहा है, इसको हम मेनिश्यूज कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। अगर पूछा जाए कि मेनिश्यूज कॉनकेव क्या कहलाता है और मेनिश्यूज कॉन्वेक्स क्या कहलाता है, मेनिश्यूज कॉनकेव जो होता है वो ये होता है जब लिक्विड राइज हो रहा हो, मतलब बढ़ रहा हो लिक्विड का लेवल, तो वो होता है कैपिलरी राइज, या फिर इसको मेनिश्यूज कॉनकेव बोलते हैं। इसमें कब होता है जब एडिशन छोटा हो कोहेजन से, और इसमें क्या होता है इसमें जो वाटर में हमेशा क्या होता है इसका लेवल बढ़ेगा, और मरकरी में क्या होगा इसका लेवल कम हो जाएगा, तो कम होगा तो इसके क्या होता है थीटा जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता है, तो इसमें कोहेजन जो होता है वो कम होता है एडिशन से, इसलिए कैपिलरी इसमें डिप्रेशन होता है, इसको हम मेनिश्यूज कॉन्वेक्स बोलते हैं। अब इसको आगे ड्राइव करेंगे तो लेट सिग्मा जो है वह सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, सिग्मा जो है वह क्या है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड है, और डी है डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब, और डब्ल्यू है स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, और थीटा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, एच है राइज या फिर फॉल अगर बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है ऑफ द लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। सो इसमें एक्सप्रेशन है जो है लेट सिग्मा है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, डी है डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब, डब्ल्यू है स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, थीटा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, एच है राइज या फिर फॉल ऑफ द लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। पहला है इसमें हम क्या करेंगे वेट ऑफ लिक्विड raised or lowered in the capillary tube, capillary tube या बढ़ का लिक्विड बढ़ रहा हो या फिर कम हो रहा हो उसका हम वेट निकालेंगे। तो वेट निकाल क्या करेंगे हम सबसे पहले तो हम ये लगाएंगे फार्मूला इसके लिए, तो एरिया ऑफ ट्यूब इंटू राइज या फिर फॉल, राइज हो रहा है या फिर फॉल हो रहा है कोई भी कंडीशन हो सकती है, इसका फार्मूला होगा एरिया ट्यूब का एरिया लेंगे, इसके अलावा उसका हाइट लेंगे जो कि राइज हो रहा हो या फिर फॉल हो रहा है, इंटू स्पेसिफिक वेट लेंगे। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा एरिया क्या होगा पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर इंटू हाई राइज या फॉल में क्या हो जाएगा हाइट आएगा एच इंटू डब्ल्यू, तो पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर इंटू एच इंटू डब्ल्यू। फिर है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स में वर्टिकल कंपोनेंट के लिए करेंगे तो ये होता है सिग्मा कॉस थीटा इंटू सरकमफेरेंस ऑफ ट्यूब, सिग्मा कॉस थीटा सरकमफेरेंस ऑफ ट्यूब होता है पाई इंटू डी, इसका फार्मूला होता है अगर हमको ट्यूब्स का सर्कमफेरेंस निकालना हो तो पाई इंटू डी इसका फार्मूला होता है, तो सिग्मा कॉस थीटा इंटू पाई इंटू डी, तो इसका ये आ जाएगा पाई इंटू डी इंटू सिग्मा कॉस थीटा के बराबर, ये आएगा वर्टिकल कंपोनेंट और ये आएगा वेट ऑफ लिक्विड। अब इसमें क्या है एट इक्विलिब्रियम द वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम एच इज बैलेंस्ड बाई द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स, तो इसका क्या है दोनों को इक्वल कर देंगे दोनों इक्वेशन को, तो पहली क्या है पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर इंटू एच इंटू डब्ल्यू इक्वल टू पाई इंटू डी इंटू सिग्मा कॉस थीटा के बराबर, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, डी से एक डी कैंसिल कर देंगे, और इसमें जो भी कैंसिल होगा उसको हम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ बचेगा एच इक्वल टू फोर इंटू सिग्मा कॉस थीटा अपॉन डब्ल्यू इंटू डी। इसका जो फार्मूला बन जाएगा जो सरफेस जो होगा इसका लिक्विड का ये राइज हो रहा है या फिर फॉल हो रहा है इस फार्मूले से निकलेगा, एच जो रहेगा वो राइज भी हो सकता है अगर वाटर का है तो इसमें क्या होगा राइज होगा, और अगर मान लो मरकरी के लिए तो क्या होगा इसमें फॉल होगा डाउन होगा, तो इसमें इसके लिए हम इसको फार्मूले का याद करना पड़ेगा अगर इसको वो निकालना है, तो एच इक्वल टू हो जाएगा फोर इंटू सिग्मा कॉस थीटा अपॉन डब्ल्यू इंटू डी, जहाँ पर सिग्मा है सरफेस टेंशन है, थीटा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है, डब्ल्यू स्पेसिफिक वेट है, और डी है डायमीटर ऑफ ट्यूब, और H है ये राइज या फिर फॉल हो रहा है वो है सरफेस टेंशन ऑफ फोर्स। तो इस फार्मूला अब इसमें क्या है कंडीशन है दो फॉर जीरो लेस देन आर इक्वल टू थीटा लेस देन 90 डिग्री अगर हो तो H इज पॉजिटिव विच मीन्स दैट द लिक्विड्स वेट द ग्लास ट्यूब हैव कैपिलरी राइज विथ कॉनकेव मेनिसस, अगर जीरो लेस देन आर इक्वल टू थीटा लेस देन 90 डिग्री हो अगर तो एंगल अगर 90 डिग्री से कम हो अगर थीटा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट
तो हमेशा जो वो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, जिसमें लिक्विड क्या होगा, राइज होगा, मतलब बढ़ेगा, पॉजिटिव लिया जाएगा उसके लिक्विड बढ़ेगा और ग्लास ट्यूब में क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर 90 डिग्री लेस देन आर इक्वल टू थीटा लेस देन 180 डिग्री अगर है, 90 डिग्री से अगर ऊपर और 180 डिग्री के बीच में भी अगर आ रहा है तो H इज नेगेटिव आएगा, विच मीन्स दैट द लिक्विड्स विच वेट द कैपिलरी ट्यूब हैव कैपिलरी डिप्रेशन विद कॉन्वेक्स मेनिसेस। ये क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स मेनिसेस कहलाएगा। अगर 90 डिग्री लेस देन आर इक्वल टू थीटा लेस देन 180 डिग्री है अगर, तो H जो लिया जाएगा अब क्या लगेगा, नेगेटिव लिया जाएगा, तो इसमें क्या होगा, कैपिलरी डिप्रेशन होगा, इसको हम कॉन्वेक्स मेनिसेस बोलते हैं। और यहाँ क्या होगा, कॉनकेव मेनिसेस होगा जब 0 लेस देन आर इक्वल टू थीटा लेस देन 90 डिग्री हो, और अगर 90 डिग्री लेस देन आर इक्वल टू थीटा और लेस देन 180 डिग्री है H, तो H इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा।